नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चार का चक्र व्यू में। मध्य प्रदेश भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों में दूसरे नंबर पर आता है। मंदिरों और अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश राजनीतिक हलचलों की वजह से भी काफी चर्चा में बना रहता है। लेकिन आजकल मध्य प्रदेश के चर्चा में रहने की वजह कुछ और ही है। दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान अक्सर वही उठाता है जिसका ना तो दंगे से वास्ता होता है और ना उस मुद्दे से जिसकी वजह से दंगा हुआ। पिछले साल पूर्वी दिल्ली में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों को ही ले लीजिए, वहां भी यही हुआ था। अब आज एक बार फिर से इंदौर में चूड़ी बेचने वाले की बात कर लेते हैं और उस घटना पर चर्चा कर लेते हैं जहां एक मुस्लिम चूड़ी वाले को कथित हिंदूवादी संगठन के लोग मुसलमान मुसलमान कहकर पीटते नजर आ रहे थे। पहले यह समझिए कि एजेंडा कैसे काम करता है, हमारे बीच की नफरत कैसे एक धर्म को दूसरे धर्म का दुश्मन बना रही है, कैसे आज देश में रहने वाला हिंदू मुसलमानों को और मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन बन गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर की घटना से बेहतर उदाहरण मौजूदा परिदृश्य में शायद ही कोई हो। कहना गलत नहीं है कि भरे पेट वाले के कट्टरपंथ को एक गरीब असहाय चूड़ी वाले ने भुगता है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इंदौर का वीडियो जंगल में लगी आग की तरह फैल रहा है। बच्ची से छेड़छाड़ की आग को लेकर कुछ लोग एक चूड़ी वाले को उसकी धार्मिक पहचान के बाद बेरहमी से पीटते रहे। इंटरनेट पर वायरल वीडियो स्पष्ट संदेश देता है कि पीटने वाले हिंदू हैं और मार खाने या ये कहें कि पीटने वाला मुसलमान है। हिंदू इंदौर के बाण गंगा इलाके में एक चूड़ी वाला चूड़ी बेच रहा था, वहीं एक बच्ची ने उस पर छेड़छाड़ और बदसलूकी के इल्जाम लगा दिए। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ लिया, उसका नाम पिटने और पीटे जाने दोनों के लिए काफी था। महिलाएं चूड़ी छेड़छाड़ सब एक किनारे हो गया और युवक का मुसलमान होना दूसरे किनारे हो गया। लोगों को हाथ साफ करने का मौका मिल गया जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। छेड़छाड़ बहाना बन गया, फिर जो हुआ उसने कानून भाईचारा सेकुलरिज्म अखंडता एकता सौहार्द सबको पीछे छोड़ दिया और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पिटाई में भी एजेंडा हावी रहा। युवक मुसलमान था और इसीलिए अफगानिस्तान भेदभाव लव जिहाद धर्मांतरण कश्मीर ने आग में घी का काम किया और फिर जो हुआ वो हमारे आपके सबके सामने है। सवाल यह है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा मोहनजोदड़ो के विकसित होने से लेकर आज तक ये कोई पहली बार था कि इंदौर के बाण गंगा इलाके में कोई चूड़ी वाला आया हो और उसने चूड़ी बेचने के नाम पर किसी से बदसलूकी की हो? क्या इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है? हालांकि अब इस पूरे मामले में तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके बाद से ही तस्लीम का परिवार दहशत में है। ये रिपोर्ट देखिए। दहशत के साय में तस्लीम का परिवार, सरकार से लगाई न्याय की गुहार। पत्नी ने तस्लीम को बताया निर्दोष। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक लिंचिंग की घटना ने पूरे देश में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। तस्लीम के साथ हुई इस मारपीट की घटना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कई नेताओं के आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं। ऐसे में इसके परिवार के लोग भी दहशत के साए में जी रहे हैं और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पीटा जाने वाला युवक तस्लीम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के सांडी थाना क्षेत्र के बिराइच मऊ गाँव का रहने वाला है। वो चूड़ियों की फेरी इंदौर में लगाता था। बता दें कि बिराइच मऊ गांव के करीब 30 लड़के हैं जो चूड़ियों की फेरी का काम करते हैं। सालों से चला रहा तस्लीम का व्यवसाय अचानक चर्चा का केंद्र बन गया और इस घटना के बाद बड़े बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर आने लगी है। बिराइच मऊ का तस्लीम 5 बच्चों का पिता है। छोटे छोटे बच्चे और पत्नी और माँ का सभी का रो रो कर बुरा हाल है और सरकार से हर कोई मदद की गुहार लगा रहा है। मेरा आदमी है तस्लीम, ऐसे तस्लीम है, आधार 2 महीने हुए, एक में असलीम नाम है एक में तस्लीम नाम है। तो गया वो 1 महीने से घर से गया कंगन चूड़ी बेचने के लिए, अपने बच्चे को पाल पोषण करने के लिए। तो उसने जाके वहाँ पर मोहल्ले में वो गया था, उसने बुलाया था
कि हमको कंगन दे दो, तो उसको कंगन दिया, उसको 100 रुपये दिए, वो चल दिया, इतनी दूर निकला, 4-6 जने बिंद के ईंच लिया, वो ईंच के उसके लाते घूसे, बेभयनक मार चल रही थी उस पर। जब बेभयनक मार चल रही थी उस पर, उसके आधार देखे कि आप बताओ हिंदू हो कि मुसलमान हो, तो उसने कहा नहीं साहब हम मुसलमान की सुन के उनकी और ज़्यादा पिटाई होने लगी और ज़्यादा मार चलने लगी उसके, किसकी लात किसकी घूसा उसकी बहुत पिटाई कादे से करने लगे। जब वो हुआ पर से पुलिस में उसको कंप्लेंट किया तो थाने में आया, थाने में आके उसका पैसा भी निकाला, उसके कंगन भी तोड़े, कंगन भी बांटे, ले माँ बहनों अपने कंगन ले जाओ, हम बम्बई वाला बदला निकालेंगे। मेरा साफ आदमी ना कोई बस कंगन चूड़ी यही बेचता है, यही धंधा करता है, कोई बात में नहीं है। सर मेरे 5 बच्चे हैं, मेरी 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। अच्छा ये बताओ हम अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको कैसे मैं पर खिला पिला के मांग भीख के क्या खिलाऊंगी साहब, मेरे बच्चे छोटे छोटे तलफ रहे हैं। हमको अब यही चाहिए कि हमको हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, मेरा आदमी मेरे सुपुर्द चाहिए, बस यही चाहती हूँ। माँ और पत्नी का यही मानना है कि उसका बेटा और पति किसी तरीके से हरदोई वापस आ जाए। पिता मोहन अली बताते हैं कि गांव में कई लोगों के आधार कार्ड 2 नामों से बने हैं। तस्लीम का आधार कार्ड भी असलीन और तस्लीन नाम से 2 आधार कार्ड बने हुए हैं। जाहिर है कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते दोबारा आधार कार्ड बनते हैं और भुगतते पीड़ित हैं। उसको 1 महीना हो गया सर, लड़का बेचने के लिए गया हूँ चुंगड़ी कंगन, यहाँ खबर आई बेचने के लिए गया, एक औरत ने लिया 100 रुपये का कंगन लेके पैसे, वो चला और चला, उसको पकड़ लिया गया, पकड़ के उसके नाम पूछा कि मारने पीटने लगे, फिर झोला उठा के चला, फिर मारने पीटने लगे कि आपके 2 नाम हैं, हिंदू मुस्लिम हो तुम, हिंदू मुस्लिम नाम के लेके उसको मारने लगा, कहने लगे मारने लगा पीटने लगा, हाथ भी जोड़ता है पाँव भी जोड़ता है कि सारे यहाँ मोहल्ले में तुम हिंदू हो यहाँ मुसलमानी हो यहाँ कैसे तुम आए। तो लड़का कहने लगा सर मैं नहीं आऊँगा, हाथ भी जोड़े पाँव भी जोड़े नहीं छोड़े उसके लड़के की मारपीट बहुत ज़्यादा की, लड़का मेरा रोने लगा पीटने लगा सब कुछ कहने लगा, मतलब लड़का मेरा नहीं छोड़ा, यहाँ मुझको यहाँ जानकारी हुई फैसला यहाँ मालूम हुआ, यहाँ खबर आई कि लड़का तेरा बहुत मारा है पीटा है, जब लड़का मैं छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ साहब मैं जाना चाहता हूँ इंदौर में हूँ, ऐसे में ये बात हुई ये मसला, वो लड़का मैं अपना लेना चाहता हूँ। हालांकि इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। साहब बंजारा बाबा विराजमान रहते हैं और हमारा गांव मुस्लिम का है साहब, पूरा गांव है साहब, धंधा चूड़ी का करते हैं साहब, और भले शहर जयपुर से लाते हैं साहब, बड़ी बड़ी दूर शहर से जाते हैं साहब, हमारे गांव के बच्चे धंधा करने इंदौर गए थे, वो साहब 2 आधार नाम से निकले आए थे, उनकी साहब कंगन चूड़ी मिली, उनकी बड़ी पिटाई हुई थी, एक तस्लीम नाम का था एक भोरे नाम का आधार निकले आए थे, वहाँ बच्चा मारा गया साहब है, वहाँ हमारे गाँव के जो पूरे बड़े बड़े देश में बेचने जाते हैं इंदौर थोड़ी सब कहीं कहीं जो जाते हैं बेचने को, पूरा गांव हमारा धंधा करता है साहब 10-20 साल से कर रहा है साहब धंधा, और बेचने फेरी करने आते महीने 2 महीने 3 महीने में लौट लौट के आते थे साहब, ये धंधा बसर गुजर करते थे। आधार साहब पुरखों को धर दिए 2 आधार करते, पहले बन गया जानकारी था, फिर उसने दूसरा आधार जैसे जानकारी नाजान जानकारी बन गया था। तो 2 आधार लेके क्यों चलते हैं? अरे वो साहब चले गए जैसे लेके चले गए होंगे तो वहीं झोले में होंगे साहब रखे होंगे इस तरह चले गए। 2 नाम कैसे हुए? 2 नाम जैसे तस्ली नाम से हो गए, पुरखुन धर दिए होंगे 2 नाम, गांव में कहते साहब 2 नाम उसमें नाम से। इस घटना की जानकारी अब उन्हें मिली तो वो अपने साथियों के साथ वहां जा रहे हैं। आपको बता दें कि बहराइच मऊ में बंजारे रहते हैं, पूरा गांव बंजारों का है और इन लोगों का मुख्य धंधा जयपुर से चूड़ियां लाकर देश के अलग अलग इलाकों में बेचना है। ये लोग 2 से 2.5 महीने कहीं भी रहकर वापस हरदोई आ जाते हैं। बहरहाल परिवार अब सरकार की तरफ न्याय की आस लगाए बैठा है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए हरदोई से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि इंदौर के इस मामले में भी अब राजनीति भी खूब की जा रही है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी को मामले के मद्देनजर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का पूरा मौका मिल गया है।
घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरा और इमरान ने लिखा कि ये वीडियो अफगानिस्तान का नहीं बल्कि इंदौर का है। शिवराज सिंह चौहान के सपनों के मध्य प्रदेश में एक चूड़ी बेचने वाले मुसलमान का सामान लूटकर सरेआम भीड़ से लिंचिंग करवाई जाती है। इसके बाद इमरान ने पीएम मोदी को भी टैग किया और सवाल पूछा कि क्या यही भारत बनाना चाहते थे आप? इन आतंकियों पर कार्रवाई कब की जाएगी? जैसा कि हम बता चुके हैं कि इमरान इस घटना को मुद्दे की तरह पेश कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट और किया और अपने दूसरे ट्वीट में इमरान ने लिखा कि उन्होंने इंदौर के उस पीड़ित लड़के से बात की है। ट्वीट में इमरान ने वादा किया कि लड़के का जो भी सामान लूटा गया है उसकी कीमत न केवल वो चुकाएंगे बल्कि लड़के को न्याय भी मिल सके, इसके लिए भी उसे वकील भी वो दिलाएंगे। इमरान ने बताया है कि स्थानीय पुलिस मामले को कवर करने का प्रयास कर रही है, इसीलिए उनकी टीम मौके पर मौजूद है और जनता जानता पूरा देश है कि इस लड़के को कितने पैसे और कितना इंसाफ इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से मिलेगा। लेकिन अच्छा नेता वही है जो मुद्दे को भुनाने में कोई कसर न छोड़े। और मामले के मद्देनजर इमरान के ट्वीट के बाद प्रश्न करिए कि अपने आप से कि अगर इस मामले में हिंदू मुस्लिम फैक्टर ना दिख रहा होता तो क्या कभी लड़के की मदद के लिए इमरान प्रतापगढ़ी सामने आते? साफ है कि अगर ऐसा होता तो उस क्षण इमरान के लिए ट्वीट का स्कोप ही नहीं रहता। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई मामले को लेकर अब मोदी सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने मोदी सरकार को चौरी चौरा कांड की याद दिलाते हुए घेरा है। उन्होंने कहा कि इंदौर के तस्लीम का इतिहास से क्या रिश्ता है। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन में प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़ गए थे और जवाबी कार्रवाई में आंदोलनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिससे उसके सभी कब्जेधारी मारे गए। बाद में हिंसा के चलते गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया था। ओवैसी ने कहा कि समारोह में चौरी चौरा के शहीदों के 99 वंशज को सम्मानित किया गया था। पीएम मोदी ने उस अवसर पर कहा था कि चौरी चौरा पर रिसर्च की सख्त जरूरत है और इसी जरूरत को हम आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। इस घटना के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक चेहरा था शहीद अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला चूड़ीहार बिरादरी के थे और टोकरी में कांच की चूड़ियां लेकर गांव-गांव से बेचा करते थे। इंदौर के तस्लीम भी इसी बिरादरी से हैं और यही काम करते हैं और समय एक उग्रवादी भीड़ ने उन्हें पीट दिया और उनके पैसे भी लूट लिए। अब्दुल्ला समेत 19 लोगों ने देश के लिए अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। अंग्रेजों ने अब्दुल्ला और उनके साथियों को फांसी की सजा देकर शहीद कर दिया। अगर आज अब्दुल्ला जिंदा होते तो क्या सोचते? एक तरफ मुल्क के वजीर आजम शहीदों के वंशज को सम्मानित कर रहे थे तो दूसरी ओर मोदी सरकार के समर्थक अब्दुल्ला के मजहब और बिरादरी के एक लड़के को पीट कर लूट रहे थे। तो ओवैसी के इस ट्वीट से अब आप समझ सकते हैं कि इस मुद्दे पर किस स्तर की राजनीति हो रही है। और अब एक बार फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी कि इंदौर में मुसलमान चूड़ी वाले ने भले ही बच्ची से छेड़छाड़ की हो लेकिन उसे मुसलमान कह कहकर पीटना कहीं का न्याय नहीं है। साफ समझा जा सकता है कि चूड़ी वाला तो बस बहाना है। पीटने वाली जनता ने भड़ास किसी और बात की निकाली। जैसा कि हम कई बार इस बात को दोहरा भी चुके हैं कि इस मामले में मुद्दा चूड़ी वाले द्वारा बच्ची से छेड़छाड़ न होकर नफरत और हिंदू मुसलमान है। चूड़ी बेच रहे व्यक्ति का पिटना और पिटाई के बाद उसका वीडियो वायरल किया जाना, उस पर भरपूर राजनीति का होना दोनों ही स्वाभाविक था। खुद सोचिए जरा कि हिंदू इलाके में दिखना नहीं चाहिए वाली बात कह कहकर किसी को मारना, ये कहना कि इसको मारकर बंबई बाजार का बदला ले लो। चलिए अब आपको जरा बंबई बाजार के बारे में भी बता देते हैं कि क्यों बार बार ये कहा जा रहा था कि इसे बंबई बाजार का बदला ले लो। दरअसल बंबई बाजार इंदौर का मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र रहा है जहां पहले भी कई दंगे हो चुके हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों बार बार ये कहा जा रहा था कि बंबई बाजार का बदला ले लो।
डरना क्या, सब एक एक हाथ मारो, ये वो बातें हैं जो बता रही हैं कि जो तस्लीम को मारते वक्त की गई, कहीं ना कहीं ये बात इसीलिए कही गई थी क्योंकि वो एक मुस्लिम था। और अब वो समय आ गया है जब हमारे अंदर से नफरत का ओवरफ्लो हो रहा है। जब तक ये ओवरफ्लो होता रहेगा तब तक ऐसे ही चूड़ी वाले पिटते रहेंगे, उनके वीडियो बनते रहेंगे, वायरल होते रहेंगे और ऐसे ही राजनीति भी होती रहेगी। ये भी एक बार खुद वीडियो आप देख लीजिए और सुन लीजिए किस तरह की उस दिन बातें की जा रही थी और क्या क्या कहकर तस्लीम को पीटा जा रहा था। वीडियो देखिए। क्षेत्र में आना होगा तेरा तो जीवन में किसी भी हिंदू क्षेत्र में दिक्कत क्या ना तो ये वीडियो आपने देखा और अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये पूरा मामला और माजरा है क्या। इसीलिए हर रोजाना हम इस पूरे मुद्दे से जुड़ा हर एक वीडियो, हर एक तस्वीर और हर एक तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, हम इस घटना पर ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इंदौर में बहुत गलत हुआ है और इस घटना की निंदा होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि इंदौर की घटना ने बता दिया है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमारे अंदर की नफरत हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। लोगों के दो धर्मों के बीच पनपी नफरत के कारण वर्ष देश को इससे कहीं ज्यादा विभत्स दृश्यों को देखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हालांकि अब देखिए, आपको इस पूरे मामले से जुड़ा एक और दूसरा एंगल बता देते हैं। दरअसल इंदौर में चूड़ी बेचने वाला मुस्लिम पिटाई खाने के बाद बावजूद भी 28 घंटे में पीड़ित से आरोपी बन गया। इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और उठना भी लाजमी है। तो चलिए अब हम इस पर पूरे तथ्यों को देखा जब हमने, तो चार सवाल इस पूरी घटना को लेकर खड़े होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो चलिए आपको पहला सवाल बता देते हैं। पहला सवाल है कि अपनी शिकायत में नाबालिग बच्ची ने पुलिस को बताया था कि घटना के समय उसके पिता बाजार गए हुए थे। अब 23 अगस्त को दोपहर में इंदौर पूर्व के एसपी आशुतोष बागरी का बयान याद कर लीजिए जरा। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि बाण गंगा थाना क्षेत्र में एक घटना हुई जिसमें एक चूड़ी बेचने वाला आया था और उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उसके बाद उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस
पुलिस ने इसमें मुकदमा भी दर्ज किया है, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। और क्योंकि पुलिस के पास भी ये वीडियो था तो पुलिस ने उसमें से आरोपियों की पहचान कर ली है और उसमें से तीन आरोपी मुख्य तौर से हैं जो मारते हुए भी दिख रहे हैं। राजकुमार भटनागर और विवेक व्यास और बाकी मारने के लिए उकसा रहे हैं। इसमें तीन नामजद हैं, दो को राउंड अप कर लिया गया है और तीसरे के लिए पुलिस संपर्क में है। इसमें हमने जानबूझकर एक आरोपी का नाम नहीं जाहिर किया है और क्योंकि वो शिकायत करने वाली बच्ची का पिता है, यानी कि इससे साफ है कि दोपहर तक पुलिस को पता नहीं था कि मारपीट के एक आरोपी पीड़ित बच्ची का पिता ही है, क्योंकि पुलिस के एफआईआर के मुताबिक तो पीड़ित बच्ची ने खुद के साथ हुई दुर्घटना की जानकारी पुलिस को 23 अगस्त को शाम 5 बजे के बाद दी थी और तस्लीम पर आईपीसीसी की कई धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी कि पॉक्सो एक्ट अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी के अलावा छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के लिए मामला भी दर्ज किया गया था। चलिए अब आपको दूसरा सवाल भी बता देते हैं जो खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान याद कर लीजिए अब आप, जो उन्होंने 23 अगस्त को सुबह लगभग 11 बजे दिया था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए थे कि चूड़ी बेचने का काम वो व्यक्ति नाम छिपाकर, जाति छिपाकर और धर्म छिपाकर कर रहा था। प्रशासन ने जो जानकारी दी है उससे ये पता चला है कि हमारे यहाँ सावन के त्योहार पर बहु बेटियों में चूड़ियां पहनने की परंपरा है, मेहंदी लगाती है और उसी दिन चूड़ियां पहनते हुए ये भ्रम की स्थिति पैदा हुई। वहां से जब गहराई में गए तो पता चला कि आधार कार्ड भी दो हैं और फिर वहीं से ये पिटाई की घटना हुई। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि गृह मंत्री ने जब ये बयान दिया उस वक्त तक पीड़ित बच्ची की शिकायत पुलिस को ही नहीं मिली थी। शिकायत इस बयान के लगभग 6-6.5 घंटे बाद पुलिस को मिली थी, जबकि लगभग जो बातें गृह मंत्री ने कही उसी का जिक्र एफआईआर में किया गया था। चलिए अब आपको तीसरा सवाल भी बता देते हैं। तीसरा सवाल है कि पीड़ित बच्ची की शिकायत पर जो एफआईआर लिखी गई उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि बच्ची लोक लाज के करीब से करीब 28 घंटे बाद शिकायत करने पुलिस के पास पहुंची थी और दूसरी तरफ मारपीट की घटना के बाद तस्लीम खुद पुलिस के पास पहुंच गया था, जिसका उल्लेख उसके एफआईआर में भी किया गया है। ये एफआईआर 23 अगस्त सोमवार को आधी रात को 12:32 पर लिखी गई थी और इस एफआईआर को फिर मुताबित इसके पुलिस को घटना की सूचना 22 अगस्त को रात 11:40 पर मिली थी। ये वही समय था जब इंदौर कोतवाली के सामने हजारों लोग इकट्ठा होकर चूड़ी वाले को मारने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस एफआईआर के मुताबिक तस्लीम पुलिस को बता रहा है कि किस तरह से उसके साथ मारपीट और लूट हुई और साथ में ये भी बताया गया कि घटना के तुरंत बाद वो पुलिस स्टेशन गया, जहां से तस्दीक करने के लिए 2 जवान उसके साथ मौके एवं वारदात पर पहुंचे थे। अब सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति की किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ के आरोप में बेरहमी से पिटाई हुई हो तो वो क्या खुद पुलिस स्टेशन अपनी शिकायत दर्ज करवाने जाएगा या पुलिस से बचने के लिए फरार हो जाएगा, और दूसरी की क्या बच्ची के परिजन लोक लाज के डर से पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। चलिए वही अब आपको चौथा सवाल भी बता देते हैं। चौथा सवाल है कि अरे एक एक तो सब मारो यार, अरे उस चक्कर में ही मार दो कि बंबई बाजार का बदला ले रहे हो। वायरल वीडियो तो हमने आपको पहले भी दिखाया था और जिसमें मारपीट करने वालों को यह कहते हुए सुना गया कि बंबई बाजार का बदला लेने के लिए मारो। दरअसल कुछ दिनों पहले वाल्मीकि समुदाय की 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और उनके चाचा की कथित तौर पर एक मुस्लिम बहुल बॉम्बे बाजार में पिटाई की गई थी। सवाल ये है कि अगर तस्लीम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करके भागा तो पीटने वाले उस घटना को छोड़कर 10 दिनों पहले हुई वारदात को का जिक्र आखिर क्यों कर रहे थे, जबकि शिकायतकर्ता के घर से ही मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर उसे पीटा गया था। तस्लीम के वकील का भी यही कहना था कि काउंटर केस बनाकर इस केस को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो
ऐसे में चार सवाल उठ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 24 घंटे में पीड़ित आरोपी बन गया। और इसीलिए एक और अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई आरोपी तस्लीम ने इस घटना को अंजाम दिया या उसे सोची समझी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हालांकि इंदौर पुलिस ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, इंदौर कांग्रेस अध्यक्ष विनय और करीब 300 लोगों के खिलाफ कलेक्टर कार्यालय पर कांग्रेसियों के प्रदर्शन के लिए दी गई अनुमति का उल्लंघन करने के आरोप में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया है। रावजी बाजार पुलिस ने यूथ कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में भी अलग से मामला दर्ज किया है। और ये दरअसल विरोध के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी पुलिस से भिड़ गए थे और इस मामले में करीब 200 लोगों को आरोपी बनाया गया है। रावजी बाजार के DSP दिशाश अग्रवाल ने कहा कि प्रदर्शन के लिए और कांग्रेस द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता हिंसक हो गए, जिसकी वजह से पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भारी हाथापाई भी हुई और इसीलिए उनके खिलाफ उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि ये सभी इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, हिंदुस्तान के कई जगहों पर दशकों से, सालों से ऐसे ही चूड़ी बिकती हैं। मोल तोल होता है, कई बार ग्राहक के चलते फेरी वाले एग्रेसिव भी हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि चूड़ी वाला बदतमीजी कर रहा है, मगर कभी उसे मुसलमान मुसलमान कहकर नहीं मारा जाता। मगर इंदौर में ये हुआ है और यही सच है। साफ है कि इंदौर मामले में एजेंडे के अलावा नफरत ने अपना रंग दिखाया है। खुद सोचिए कि क्या बाण गंगा इलाके में चूड़ी बेचने के लिए आया चूड़ी वाला यदि हिंदू होता तो भी क्या ऐसा ही होता? क्या तब भी वीडियो बनाया जाता और उसे वायरल कर दिया जाता? क्या तब भी मामला हिंदू मुस्लिम का रंग लेता और क्या तब भी इस पर राजनीति होती? जवाब हम सबको पता है, लेकिन फिर भी हर कोई चुप्पी साधे हुए बैठा है। इसी के साथ चार का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।